हे गाइस, दिस इज राघव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिंडर फैफले। और आज प्लान किया कि आज जाएंगे हम घूमने ताजमहल। तो सुबह सारी तैयारी हो गई, अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम निकलेंगे और यहाँ से फिर हम जाएंगे। अभी घर से निकलेंगे तो ताजमहल की तरफ जाएंगे। हमने टिकट सारी कर ली हैं, अभी सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो आप payu.asi पे जाके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे जाके आप अपनी टिकट कर सकते हैं। टिकट अप्रॉक्स कॉस्ट यू 45 रुपीज़, और अगर आप ऊपर का पूरा म्यूजियम का करोगे तो 245 के अप्रॉक्स पड़ेगा आपको। तो हमने कर ली है और अभी हम अपना जर्नी शुरू करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और आपको ताजमहल की सैर कराएंगे। एंट्री हो गई और चल दिए ताजमहल को देखने। ये मेन पाथ है, यहाँ से पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके आप आगे जाओगे सीधा। और बाकी आना तो था ही भाई, बीवी को ताजमहल दिखाना था, बनवाया नहीं तो क्या हुआ, दिखाना तो पड़ेगा। तो ये रास्ता है पूरा। यहाँ से ये एंट्रेंस है इसका, एंट्रेंस के बाद ही सीधे आप चलते जाएंगे। काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी अच्छा मुग़ल आर्किटेक्चर है एक्चुअली इट। और ये है वो जो लाइन के बीच में घुस के हमें यहाँ तक ले आई है। नहीं, मैंने तो होप छोड़ दी थी आज की, क्योंकि लाइन अप्रॉक्स 1 किलोमीटर थी, जो मुझे नहीं लगता 2 घंटे में ही पार होती एंट्री। आज बहुत भीड़ है यहाँ पे। और बाकी अभी थोड़े शॉर्ट्स देखो और यहाँ पे वो एंट्री गेट से आके आप अंदर आएंगे। तो ये 16 टोटल गार्डन्स हैं यहाँ पे। ये 4 इधर हैं, बाकी इधर हैं, और यहाँ पे फाउंटेन्स भी हैं, पूरे लंबी लाइन में हैं ये सारे फाउंटेन्स हैं, ये आप देख रहे हैं। तो टोटल 53 फाउंटेन्स हैं यहाँ पे और 16 गार्डन। और ये मेन जो आपका ताजमहल है, ये ट्रांसपेरेंट संगमरमर का बना हुआ है। और बोलते हैं कि ये अगर आप पूर्णिमा की रात में फुल मून में आओगे तो ये इट विल शाइन लाइक अ ग्लास। और इसके बगल में भी एक मॉस्क है और एक गेस्ट हाउस है। सो इट इज़ रियली बिल्ड लाइक अ मार्वल। और बोलते हैं कि इसका जो बिल्डिंग कॉस्ट था वो $1 बिलियन का है, जो आज का वैल्यू है, जो इसको बनाने में उस टाइम लगा था। 1653 में कम्प्लीट हुआ था। टोटल 22 ईयर्स लगे थे, 20,000 पीपल ने इसको बनाया था। और यू कैन इमेजिन $1 बिलियन आज का वैल्यू इसका है, अगर आज इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो। और इसके साथ में पीछे इसके यमुना रिवर है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी हम तो आ ही गए और अच्छा शी इज़ एंजॉइंग। और काफ़ी दिन बाद आई थी तो बोली मेरे को घूमना है। मैंने कहा चल भाई तेरे को भी घुमा देते हैं, और ऐसे ही है, चलते रहिए। और खूबसूरत तो बहुत है यार ये, बाकी अपनी मुमताज़ साथ में ही है तो। और यहाँ पे भाई फोटोग्राफी का तो अलग ही नज़ारा है भाई साहब, जो तैयारी होकर फ़ोटो खींची जाती है ना, यहाँ कतई फ़ोटोशूट चलते हैं मैक्सिमम। तो मुझे लगता है कि प्री वेडिंग भी कराने यहाँ पे लोग आते हैं, और गाइड लेने का कोई मतलब नहीं है। दे विल टेल यू द सेम थिंग आई टोल्ड यू, और दे विल कॉस्ट यू 500-600, ऐसे तो कोई मतलब नहीं है, कोई रेट नहीं है यार। कोई 500-600 लेता है, कोई अंदर बोलेगा 100 रुपये में दिखा दूंगा,
तो कोई मतलब नहीं है उसका। और बाकी ये वहाँ से पीछे से आए थे वो, और ये पूरा फाउंटेन्स चलते हैं। और आप फुल मून में आएंगे तो टिकट 500 to 600 है। बाकी वो उस टाइम रात को भी खुलता है, 5 दिन के लिए रात को खुलता है, फुल मून जब होता है 2 दिन पहले 2 दिन बाद और फुल मून को, तो वो वर्थ विजिटिंग है रात में। दैट लुक्स रियली गॉर्जियस। मैं अभी तक आया नहीं हूँ, अभी एक बंदा मुझे मिला था तो उसने मुझे बताया कि ऐसा है, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको फुल मून का भी दिखाऊँ। नाउ वी आर हेडिंग टू शाही, क्या बोलते हैं, शाही गेस्ट हाउस यही बोलते हैं यहाँ पे, जो बगल में बना हुआ है। और एक सिमेट्री है, एक मॉस्क है और एक शाही गेस्ट हाउस है, दोनों में सिमेट्री है जो ताजमहल के दोनों तरफ बने हुए हैं। शाही गेस्ट हाउस में जो शाही मेहमान होते थे वो आते थे, वो रुकते थे। बाकी बाहर जहाँ से एंट्री ली थी वहाँ पे 114 रूम्स हैं जहाँ पे नॉर्मल गेस्ट रुकते थे। चौकटा बोलते उसको, वो लेटर पार्ट देखा ही आपने। और बाकी अभी आपको दिखाता हूँ जो शाही गेस्ट हाउस है, वो भी काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। इट इज़ बिल्ड बाई रेड स्टोन एंड वाइट स्टोन मिक्सचर। तो और हाँ एक बात और, जो वाइट स्टोन है ये राजस्थान, और जो रेड स्टोन है दे आर फ्रॉम फतेहपुर सीकरी, एंड ये कॉम्बिनेशन से बिल्ड किए गए। तो देखिए अभी यहाँ पे, अगर ताजमहल आप इस साइड से देखोगे, बैक साइड से देखोगे, या उस पीछे के साइड से देखोगे, या फ्रंट से देखोगे, तो बोलते हैं कि ताजमहल में एक सिमेट्री सी है। तो सच में सिमेट्री है यार, सब सिमेट्रिकल लग रहा है। सामने से आप देखोगे सेम लगेगा, साइड से देखोगे सेम लगेगा, कोई अंतर नहीं है। बाकी ये आपका गेस्ट हाउस तो आपको दिखाई दिया, बाकी आपको दिखाता हूँ यमुना बैंक। ताजमहल एंड कम्प्लीटेड द कम्प्लीट ट्रिप। ज़्यादा कुछ है नहीं, एक खूबसूरत सा ताजमहल है, जो खूबसूरत से एक मॉस्क है और एक शाही वो है, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ आके आराम से देख सकते हो, ना कोई खर्चा है और मज़ा फुल है। ये संगमरमर का अपने आप में एक अजूबा है, जिसको आप देखने आओ, आप यहाँ फ़ोटोशूट कराओ, प्री वेडिंग्स कराओ, घूमने आओ, देखने आओ, कुछ भी करने आओ, अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहेगा आपका। और बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीकेंड्स में मत आओ, क्योंकि वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा रश रहता है, वीकडेज में आओ, मज़े हैं। और बाकी जो फुल मून का वीडियो है वो मैं नेक्स्ट टाइम फुल मून में जब विजिट करूँगा तो आपको फुल मून में दिखाऊँगा। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाऊँगा मैं आगरा फोर्ट का, और फुल मून वीडियोज भी दिखाऊँगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगा, एंड लाइक एंड शेयर करना। बाय फ्रॉम एनफील्डर्स हार्ले।